हाय फ्रेंड, UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे बहुत ही जानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक का संग्रह जो आपके UPPCL और राजस्थान और इसके अलावा जो भी टेक्निकल के एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 4 से 5 नंबर निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये एक टॉपिक है रिले का। तो रिले से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रिले का संग्रह मैंने किया है एक साथ। तो दोस्त, इसी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में कम 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समय को बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर हम लोग जो है पायलट रिले स्कीम का उपयोग कितनी दूरी तक की संचरण लाइनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये दी गई है इसकी दूरी, तो फ्रेंड्स देख लेंगे यहाँ पर कितनी दूरी दी गई है, इसको देख सकते हैं। क्या लिखा है, 30 किलोमीटर तक की संचरण लाइन के लिए हम पायलट रिले स्कीम का उपयोग करते हैं। कौन सी रिले स्कीम, पायलट रिले स्कीम का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन के अनुसार जो प्रतिघात रिले होता है, प्रतिघात रिले का उपयोग हम करते हैं कम दूरी के लिए। इसके बाद होता है प्रतिबाधा रिले, प्रतिबाधा रिले का उपयोग भी हम करते हैं कम मध्यम दूरी के लिए। इसके बाद होता है प्रवेश्यता या मोह रिले, इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए, मतलब जो लंबी संचरण लाइनें होती हैं इसके लिए। अब दोस्त, हम आपको बताते हैं कि इनको सबको जो है, इन तीनों को एक ही बार में कैसे याद किया जा सकता है, ट्रिक के साथ बताएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी रहेगा। इसकी एक ट्रिक है शर्मिलम, कैसे लिखते हैं, SR, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, SRMILOEM, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद देख लेंगे यहाँ से शॉर्ट जो ट्रांसमिशन लाइन होती है कितनी दूरी होती है इसकी, 80 किलोमीटर, ठीक है। जो 80 किलोमीटर तक की जो लाइन होती है उसके लिए हम रिएक्टेंस रिले का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रतिघात जो रिले होती है हम इस रिले का उपयोग करते हैं, प्रतिघात रिले का। इसके बाद मीडियम जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मध्यम दूरी की संचरण लाइन जो होती है, जिसकी दूरी जो है 80 से कितनी 150 किलोमीटर तक होती है, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इसके लिए, इसकी रक्षण के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की रक्षण के लिए हम इम्पीडेंस रिले का यूज करते हैं, अर्थात प्रतिबाधा रिले हो गया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो लॉन्ग संचरण लाइन होती है, लंबी संचरण जो लाइनें होती हैं उसके लिए हम किस रिले का उपयोग करेंगे, मोह रिले का। दोस्तों, कौन सा रिले, MHO, इस नाम के रिले का हम उपयोग करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। एक बार हम फिर से देखते हैं, यहाँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम करेंगे किसका उपयोग, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग करेंगे किसका उपयोग, यहाँ देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले का उपयोग, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोह रिले का उपयोग किया जाता है। अब अगर पूछ दिया जाए दूरी कि हम रिएक्टेंस रिले का या प्रतिघात रिले का कितनी दूरी तक उपयोग करते हैं संचरण लाइन जो है 80 किलोमीटर तक की, इसके बाद इम्पीडेंस रिले का अगर प्रतिबाधा रिले का पूछेगा तो कितनी दूरी तक करेंगे, 80 से 150 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद मोह रिले का पूछेगा तो 150 किलोमीटर से ऊपर की जो लाइनें होती हैं उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं मोह रिले का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अतिधारा रक्षण रिले। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया अतिधारा रक्षण रिले, इस रिले का उपयोग जो है हम किसके लिए करेंगे, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, बाहरी फेज प्रदोष से रक्षण के लिए। जो ओवर करेंट प्रोटेक्शन रिले होता है, ये बाहरी फेज प्रदोष की जो रक्षण होता है उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है भिन्नक रिले या डिफरेंशियल रिले। जो भिन्नक या डिफरेंशियल रिले है
इस रिले का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो भिन्नक रिले या डिफरेंशियल रिले, तो इसका उपयोग दोस्त हम कहाँ करेंगे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, या इसका उपयोग हम करेंगे कहाँ पर, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन में, ठीक है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन रिले में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, डिफरेंशियल रिले या भिन्नक रिले का उपयोग। तो दोस्त याद रखेंगे मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन क्या होता है, एक बात अपनी याद रखेंगे, जो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन होती है इसका उपयोग हम कितनी जगह करते हैं, तीन जगह पर करते हैं। वो जगह कौन कौन सी है, एक जगह आपकी है कौन सी, बस वार, कौन सी, बस वार। अगली जगह कौन सी है, अगली जगह है प्रत्यावर्तक, कौन सी, प्रत्यावर्तक। और कहाँ हम इसका उपयोग कर लेंगे, और इसका उपयोग हम कर लेंगे कहाँ पर, ट्रांसफार्मर में, कहाँ करेंगे, ट्रांसफार्मर में, कौन से ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। दोस्त एक बार फिर से बताते हैं आपको, जो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इसका उपयोग हम करेंगे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं बस बार में, इसके बाद जनरेटर में, और इसके बाद ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इनके तीनों के प्रोटेक्शन के लिए जो है हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर जैसे ये जनरेटर दिया गया है, तो जनरेटर में हम दोनों पक्षों में जो सीटी मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन जो है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये सीटी की सहायता से किया जाता है फ्रेंड्स। इसके इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों साइडों में तीन तीन सीटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों साइडों में तीन तीन सीटी, अर्थात हमको छः सीटी का उपयोग करेंगे, इस प्रोटेक्शन में पीटी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स जब ट्रांसफार्मर पर इसका उपयोग करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, जैसे मान करके चलिए कि ट्रांसफार्मर अगर आपका स्टार डेल्टा है, तो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन जो लगाई जाएगी, तो उसमें स्टार के साइड में हम डेल्टा का सीटी लगाएंगे, और डेल्टा के साइड में हम स्टार का सीटी लगाएंगे, अर्थात याद रखेंगे कि इसमें एक दूसरे का विपरीत सीटी लगाया जाता है। अगर ये ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा है, तो यहाँ पर हम स्टार स्टार की सीटी स्थापित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अर्थ फॉल्ट रिले का उपयोग हम किस में करते हैं। तो अर्थ फॉल्ट जो रिले है, इस रिले का उपयोग हम किस में करते हैं, देख लीजिए, अर्थ फॉल्ट रिले का उपयोग जो है हम किस में, फेज से QHR अर्थात LG प्रोटेक्शन में करते हैं। अगर कोई यहाँ पर एक चालक है, जैसे ये तुम्हारी एक लाइन है, ये लाइन है कौन सी, फेज सी, और इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है, तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे ये रिले, कौन सा लगाएंगे, फेज फॉल्ट रिले। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया है तुरंत ही, अभी आपको ये बता रहा है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इस प्रोटेक्शन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कितने रिले का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसको जवाब देंगे क्या, तीन रिले का उपयोग किया जाता है। तीन में से कौन कौन से रिले होते हैं, दो रिले होते हैं कौन से, फेज फॉल्ट रिले, ठीक है, दो होते हैं फेज फॉल्ट रिले, और एक रिले जो होता है वो कौन सा होता है, अर्थ फॉल्ट रिले होता है, ठीक है, एक जो होता है वो अर्थ फॉल्ट रिले होता है, दो होते हैं फेज फॉल्ट रिले। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम कुल मिलाकर के न्यूनतम तीन रिले का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, थर्मल रिले या तापी रिले का उपयोग हम किस में करते हैं, थर्मल रिले या तापी रिले का उपयोग किस में करते हैं, अति तापन से प्रोटेक्शन के लिए, ओवरहीटिंग से रक्षण के लिए। जैसे अगर कोई आपका थ्री फेज का या सिंगल फेज का मोटर है, तो उसमें मोटर की वाइंडिंग के साथ में या मोटर के साथ में इस मशीन का उपयोग, इसका इस रिले का उपयोग किया जाएगा। जब मोटर गर्म हो जाएगी चलती हुई अवस्था में, तो ये रिले क्या करेगा, मशीन को बंद कर देता है। दोस्त मैंने अभी तक आपको एक पॉइंट नहीं बताया है, यहाँ पर जो है रिले का मुख्य कार्य क्या है, क्या आप बता सकते हैं, रिले का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, दोष को ढूंढना या फॉल्ट को खोजना, ये रिले का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर आवृत्ति रिले या अंडर फ्रिक्वेंसी रिले, इस रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले का उपयोग करते हैं हम कहाँ पर, जो अल्टरनेटर होता है, जो प्रत्यावर्तक होता है, इसके रक्षण के लिए। इसमें ये रिले क्यों लगाया जाता है, क्योंकि दोस्त जब हम किसी अल्टरनेटर को किसी बस बार से जोड़ते हैं, एक अल्टरनेटर मान करके चलिए पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे अल्टरनेटर को अगर यहाँ पर लगा दिया,
और किसी कारण बस एक अल्टरनेटर का प्राथमिक चालक अगर फेल हो गया, एक अल्टरनेटर का अगर मान लीजिए इस वाले अल्टरनेटर का प्राथमिक चालक फेल हो गया, तो ये अल्टरनेटर जो सप्लाई लाइन को दे रहा था, ठीक है, ये उस अवस्था में क्या करेगा, सप्लाई लाइन से लेने लगेगा। जब ये सप्लाई लेने लगेगा तो ये एक मोटर की भांति व्यवहार करेगा और इस बस बार पर ये लोड के रूप में कार्य करने लगेगा। तो इस अवस्था में हम इसका अंडर आवृत्ति रिले या अंडर फ्रिक्वेंसी रिले का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुकोल्ज रिले का उपयोग हम किस में करते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा होगा, लगभग सभी बुकों में दिया रहता है कि ट्रांसफार्मर की इंटरनल जो आंतरिक प्रदोष होते हैं उनको ज्ञात करने में या आंतरिक प्रदोष के कारण ट्रांसफार्मर में कमी से बचाने के लिए इस रिले का उपयोग किया जाता है। और जो आपका बुकोल्ज रिले होता है, ये दोस्त एक कैसा रिले होता है, बुकोल्ज रिले जो होता है वो एक कैसा रिले होता है, गैसीय रिले होता है। कौन सा, गैसीय रिले होता है, ठीक है। बुकोल्ज रिले के आंतरिक भाग में क्या होता है, बुकोल्ज रिले के आंतरिक भाग में होता है फ्लॉट होता है, और फ्लॉट में होता है, फ्लॉट के साथ में एक लगा होता है, कौन सा स्विच, मरकरी स्विच। कौन सा स्विच होता है, मरकरी स्विच लगा होता है। इसको तैराक स्विच के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, और ये ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसी के ऊपर फ्लॉट तैरता है और इसी के साथ में ये मरकरी स्विच लगा रहता है। फ्रेंड्स, का जो बुकोल्ज रिले होता है इसमें कुल कितने टर्मिनल होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखना इसमें कुल चार टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल जाते हैं पैनल के लिए और दो टर्मिनल जाते हैं किसके लिए, अलार्म के लिए, ठीक है। दो टर्मिनल अलार्म के लिए जाते हैं और दो टर्मिनल पैनल के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दूरी या डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले का हम किस में करेंगे, संचरण लाइन में उपयोग करते हैं। इसके बाद दिया गया है फेज सीक्वेंस रिले। यहाँ से देखते हैं कि फेज सीक्वेंस रिले या ऋणात्मक अनुक्रम रिले, इसका देखेंगे ऋणात्मक अनुक्रम रिले। जो निगेटिव सीक्वेंस रिले है ऋणात्मक, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं दोस्त, इसका उपयोग हम करेंगे प्रत्यावर्तक में धारा वापसी से रक्षा के लिए करते हैं। हार्मोनिक, ये लिखा है हार्मोनिक अवरुद्ध भिन्नक रिले, इस रिले का उपयोग कहाँ किया जाएगा, हार्मोनिक अवरुद्ध भिन्नक रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है डिले रिले, इस डिले रिले का उपयोग हम किस में करेंगे, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन फीडर जो होता है फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना याद रखना, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑफसेट मोहर रिले। ऑफसेट मोहर रिले का उपयोग जो है ये किस में किया जाता है, उत्पादन इकाई की उत्तेजन हार्मोनिक रक्षण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका किस में, प्रत्यावर्तक के उत्तेजन रक्षण में, जो प्रत्यावर्तक का एक्साइटेशन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम ऑफसेट मोहर रिले का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वोल्टेज रिस्ट्रेंड रिले, इसी को धारा रिले भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो ये रिले जो होता है ये एक प्रतिघात प्रतिबाधा रिले के भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होता है पायलट रिले। फ्रेंड यहाँ मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये पायलट रिले होता है PILOT। जो पायलट रिले होता है, पायलट रिले का उपयोग जो है हाई स्पीड ट्रिपिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना हाई स्पीड ट्रिपिंग के लिए किया जाता है। और ये पायलट रिले किस में लगाया जाता है, ये पायलट रिले लगाया जाता है दोस्तों किस में, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, पायलट रिले का उपयोग जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वोल्टेज रिले। अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग हम लोग किस में करेंगे, अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग करते हैं मोटर और मोटरों के रक्षण के लिए। जो मोटर का प्रोटेक्शन होता है, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग करते हैं, वो किसी भी प्रकार का मोटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच का उपयोग हम किस में करेंगे, टॉगल स्विच जो होता है, टॉगल स्विच का उपयोग जो है मोटर नियंत्रण में उपयोगी है, मोटर का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इंडक्शन कप रिले संरचना जो होती है ये किस प्रकार के लिए उपयोगी है। तो मोहर रिले की जो संरचना होती है इंडक्शन
कप टाइप होती है। फ्रेंड्स, रिएक्टेंस रिले का उपयोग किस में किया जाता है? रिएक्टेंस रिले जो होता है यह एक प्रकार का दिशात्मक निरुद्ध अतिधारा रिले या ओवर करेंट रिले होता है। ये दिशात्मक रिले होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस IDMT रिले। जो IDMT रिले होता है, IDMT रिले का उपयोग किस में करते हैं? ये रेडियल जो होता है, रेडियल फीडर के लिए IDMT रिले का उपयोग किया जाता है। जो फीडर होते हैं फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेडियल, ठीक है, एक होता है रेडियल फीडर, एक होता है रिंग फीडर। कौन सा? रिंग मैन फीडर, ठीक है। जो रेडियल फीडर होता है रिंग मैन फीडर की अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। इसकी विश्वसनीय, रिंग मैन फीडर की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। दूसरी बात, रेडियल फीडर से उपभोक्ता को केवल एक ओर से सप्लाई प्राप्त होती है, जबकि रिंग मैन फीडर से उपभोक्ता को दो सिरों से सप्लाई प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, IDMT का पूरा नाम क्या होता है? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इनवर्स डेफिनेट क्या? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है। क्वेश्चन नंबर है 23, थर्मल रिले। थर्मल रिले का उपयोग हम किस में करते हैं? रेफ्रिजरेटर में थर्मल रिले का, जो फ्रिज होता है, मोटर का स्टार्टर होता है, इसमें थर्मल रिले का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक रिले का उपयोग हम लोग किस में करेंगे? विद्युत स्त्री, जो विद्युत प्रेस होती है, इसमें हम किसका? चुंबकीय रिले का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वायर पायलट, ठीक है, रिलेइंग स्कीम। जो वायर पायलट रिलेइंग स्कीम होता है, उच्च वोल्टता संचरण, ठीक है, लाइनों के रक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिस्टेंस रिले जो होता है वो एक प्रकार का मोर रिले होता है। फ्रेंड्स, याद रखना, जो दिशात्मक रिले होता है, डायरेक्शनल रिले जो होता है, वो कौन सा रिले होता है? एडमिटेंस रिले होता है। एडमिटेंस मतलब गामा, ये एडमिटेंस मतलब जो होता है, ये एडमिटेंस होता है वाई के जैसा। एडमिटेंस रिले जो होता है वो कैसा रिले होता है? दिशात्मक रिले होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया है, यहाँ पर इसको देखते हैं। ये दिया गया है सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग से रक्षा के लिए जो है हम किस रिले का उपयोग करेंगे? जो सिंगल फेजिंग जो है, प्रोटेक्शन जो है, सिंगल फेजिंग रिले है, इसका उपयोग हम थ्री फेज की मोटरों में करते हैं। क्योंकि जब थ्री फेज की मोटर को, किसी भी थ्री फेज की मोटर को अगर हम प्रचालित करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक फेज कोई ब्लो आउट हो जाता है या एक वायर में सप्लाई नहीं आती है, तो इस मशीन को हम क्या कहते हैं? सिंगल फेजिंग कहते हैं। ये तब भी दो फेज से चलती रहेगी, परंतु इसको हम सिंगल फेजिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब मशीन, जो मशीन है, उस मशीन में जब एक फेज काम नहीं करेगा या एक फ्यूज ब्लो आउट हो जाएगा, केवल दो फेज से ही सप्लाई आएगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिंगल फेजिंग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंडर वोल्टेज रिले। अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग जो है वो हम निम्न स्थानों पर करते हैं, जो है कौन कौन से? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और बस बार। इनके सभी प्रोटेक्शन के लिए जो है हम अंडर वोल्टेज रिले का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जो ऊपर अभी जो दिया गया था, कौन सा? IDMT रिले। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्शनल रिले, ये भी कई बार आ चुका है। एडमिटेंस रिले होता है, डिस्टेंस रिले, ये भी याद रखना। मोहो रिले होता है। थर्मल रिले का उपयोग हम फ्रिज में और मोटरों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम। जो मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसका उपयोग हम किस में करेंगे? मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम को हम CTCT सिस्टम या बीमार रक्षण प्रणाली भी कहते हैं। इसका उपयोग रिंग मैन या डुप्लीकेट फीडर के लिए करते हैं। और मर्ज प्राइज सिस्टम जो प्रोटेक्शन होता है, उसका उपयोग हम किस पर कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर पर और किस पर? अल्टरनेटर तथा जो बस बार होती है, बस बार की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर शर्मिला मभी जो ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है शर्मिला में लिखा है 1, 2, 3। S का मतलब हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और R का मतलब हो गया रिएक्टेंस रिले, M का मतलब हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इम्पीडेंस रिले उपयोगी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोहर रिले उपयोगी है। ये सभी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टार्टर से। मैंने सभी प्रकार के स्टार्टरों को एक साथ कलेक्ट किया है, और इसको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं स्टार्टर। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तो 100% बनता है, जो कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्टर के रूप में बताते हैं आपको, कुछ DC स्टार्टर होते हैं और कुछ होते हैं AC स्टार्टर, कुछ अलग टाइप के स्टार्टर।
जो डीसी स्टार्टर होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, 2 3 4 एस एस सी, ऐसे इसको याद रखेंगे। जो टू पॉइंट का, जो टू पॉइंट का स्टार्टर होता है ये सीरीज मोटर के लिए होता है, और थ्री पॉइंट का स्टार्टर होता है शंट मोटर के लिए होता है, फोर पॉइंट का स्टार्टर जो होता है, फोर पॉइंट का स्टार्टर जो हम यूज करते हैं वो इसके लिए कंपाउंड मशीनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन रेयर केस में फ्रेंड्स, जो संट की मोटर है इसको हम फोर पॉइंट स्टार्टर के द्वारा भी चला सकते हैं, जबकि कंपाउंड मोटर को हम थ्री पॉइंट स्टार्टर के द्वारा भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो आपका ऐसा टू पॉइंट स्टार्टर है, टू पॉइंट स्टार्टर को हम फेस प्लेट स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन से स्टार्टर के नाम से जानते हैं, फेस प्लेट स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं एसी स्टार्टर, ये तो आपके थे डीसी स्टार्टर, जो केवल कितने प्रकार के होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एसी स्टार्टर। एसी स्टार्टर जो होते हैं फ्रेंड्स, डीओएल इसका पूरा नाम होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। डीओएल स्टार्टर होते हैं, इसका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पूरा नाम होता है। और डीओएल स्टार्टर का जो उपयोग जो है हम कितने तक करते हैं, डीओएल स्टार्टर का उपयोग 5 HP तक की एकल फेज की मोटरें, या फिर हम 2 HP तक की कौन सी थ्री फेज की मोटरों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डीओएल स्टार्टर को हम पुश बटन स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। तारा त्रिभुज या स्टार डेल्टा स्टार्टर, फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग थ्री फेज की मशीनों में किया जाता है। ये मशीनें 5 HP से 20 HP तक की हो सकती है, और ये पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर के लिए चलाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, केज टाइप मशीनों को चलाने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो मैनुअली भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो मैनुअली है, इसका 20 HP से 150 HP तक उपयोग करते हैं। ये थ्री फेज की पिंजरा प्रारूपी मोटरों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है ऑटोमेटिक वाला, इसका उपयोग 425 HP और इससे ऊपर की मोटरों को चलाने के लिए, थ्री फेज की मशीनें होती हैं 1000 HP तक की, उनको चलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा स्लिप रिंग स्टार्टर। स्लिप रिंग स्टार्टर को रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्लिप रिंग स्टार्टर जो होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्लिप रिंग मोटरें होती हैं ये थ्री फेज और सिंगल फेज की होती हैं, बलय छल्ला प्रारूपी, ठीक है, प्रेरण मोटर या स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। स्लिप रिंग जो होता है फ्रेंड्स, स्लिप रिंग और हेयर स्प्रिंग, ठीक है, जो स्लिप रिंग बने होते हैं, स्लिप रिंग और हेयर स्प्रिंग, जिसको बाल कमानी और बुश बियरिंग, ये तीन कौन सी, जो बाल कमानी होती है हेयर स्प्रिंग होता है, और जो बुश बियरिंग होता है, बुश बियरिंग को, हेयर स्प्रिंग को, बाल कमानी को और स्लिप रिंग को, इन तीनों को फास्फर ब्रांच से बनाया जाता है। फ्रेंड्स याद रखना इस मशीन को किसको, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रारंभ करने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप रिंग स्टार्टर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है टू पॉइंट स्टार्टर को हम फेस प्लेट स्टार्टर के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डीसी स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं, तो फ्रेंड्स केवल तीन प्रकार होते हैं ये। एक पॉइंट स्टार्टर जो है वो कोई भी स्टार्टर नहीं होता, ये यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया था एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट और चार पॉइंट स्टार्टर, तो इसमें से पूछा गया था कौन सा डीसी स्टार्टर नहीं है, तो एक पॉइंट डीसी स्टार्टर नहीं होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सभी डीसी स्टार्टर धारा नियंत्रक होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डीसी स्टार्टर जो होते हैं धारा नियंत्रक होते हैं, जबकि सभी प्रकार के एसी जो स्टार्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, वोल्टता नियंत्रक होते हैं। स्लिप रिंग स्टार्टर जो होता है ये कैसा होता है, ये धारा नियंत्रक होता है, क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन आपका स्लिप रिंग स्टार्टर, जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है, ठीक है, इसका स्टेटर और रोटर दोनों तरफ स्टार्टर को लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स जो स्लिप रिंग मोटरों का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा, जबकि जो पिंजरा मोटरें होती हैं, कौन सी पिंजरा मोटरें होती हैं थ्री फेज में दो प्रकार की, कौन सी, एकल पिंजरा मोटरें और दोहरी पिंजरा मोटरें। तो एकल पिंजरा मोटरों का जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये सबसे कम होता है, इसके बाद दोहरा पिंजरा मोटरों का स्टार्टिंग टार्क होता है, और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क होता है किस मोटर का, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर माय वाचिंग। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।